सब लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से मेरे होम किचन में। लास्ट वाला जो वीडियो है ऑनियन भजा का, उसमें बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला, इसीलिए सबको एक बार फिर से थैंक यू। लेकर आया हूँ आज चिकन की ऐसी रेसिपी जिसे देखते ही सबके मुंह से पानी आ जाएगा। जी हाँ, बहुत ही स्वादिष्ट है, लेकिन बनाना बहुत ईजी है। एक पैन ले लो, उसमें डाल दो तेल थोड़ा सा, तेल के बाद सूखा मसाला जिसमें तेज पत्ता है, काली मिर्च है, लौंग है और थोड़े स्टार फूल के पत्ते हैं। तेल में अच्छे से उसे भून लेते हैं और अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऑनियन पीस लिया है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बारीक पीसा है। ऑनियन को थोड़ा कुक करने के बाद उसमें अदरक काली का पेस्ट डालेंगे और उसके कुक करने के बाद तो हमारा जो टोमेटो का पेस्ट है वो डालेंगे। टमाटर जो है जल्दी से कुक हो जाए, इसीलिए हम लोग उसमें नमक भी साथ में डाल देते हैं ताकि टमाटर अच्छे से कुक हो जाए। थोड़ा 5 मिनट के लिए ढक लेंगे ताकि एकदम हो जाए। उसके बाद अब बारी है मसाले की, जिसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, गरम मसाला लिया है और हल्दी का पाउडर है वो भी ले लिया है। जी हाँ, और यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है एक रेडीमेड पैकेट मसाला, जो मीट मसाला होता है वो शॉप में इजीली मिल जाएगा आपको। वो डाल के हम लोग अच्छे से हिला देंगे ताकि सब अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पे एक्स्ट्रा थोड़ा फ्लेवर के लिए मैंने 1 चम्मच बटर डाला है, ये होममेड बटर है। बटर डालने के बाद अब मसाले जो है वो कुक हो जाते हैं अच्छे से। उसके बाद अब बारी है पटेटो की। जी हाँ, मैंने छोटा वाला पटेटो यूज़ किया है, उसे 2 पीस में काट दिया है, उसे मसाले के साथ थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और अब बारी है हमारे चिकन की। यहाँ पे मैंने चिकन विंग्स लिए, उसमें से 2 पीस कर दिए है, थोड़ी सी स्किन ऑफ कर दी है ताकि ईजिली कुक हो जाए, उसका फ्लेवर जो है थोड़ा एक्स्ट्रा आता है। जी हाँ, अब बारी है उसे पकाने की। मसाले में अच्छे से भून लेंगे। मसाले में भूनने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, पानी जो है वो क्वांटिटी के हिसाब से डालें। उसके बाद थोड़ी सी मैंने यहाँ पे कसूरी मेथी ले ली है, उससे थोड़ा फ्लेवर जो है वो बहुत अलग आता है और थोड़ा अच्छा टेस्ट आता है। आधा नींबू डाल लिया है और उसे अच्छे से कुक कर लिया है। देखो यहाँ पे जो चिकन की रंगत आई है वो बहुत ही सुंदर है। अब बारी है फाइनल टच की, जिसमें मैंने ताज़ा कटी हुई धनिया डाल ली है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऐसे चिकन की रेसिपी बनके तैयार हुई है, जिसे देखने के बाद सबके मुंह में पानी आ जाएगा और सबके मुंह से आपकी तारीफ निकलेगी। और वीडियो के लिए मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग रेसिपी में। थैंक यू वेरी मच।